प्यारे बच्चों, हम लोग त्रुटियों के संयोग को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने योग में त्रुटि पढ़ा, अंतर में त्रुटि पढ़ा, गुणा में त्रुटि पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग में त्रुटि। इसके लिए हमने मान लिया कि माना कोई भौतिक राशि यक्ष दो मानों ए तथा बी पर निर्भर करती है। यदि ए के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए हो और बी के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी हो, तब एक्स के मान में परिणामी निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स हो जाएगी। तब ए का मान हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मान हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तब एक्स का मान हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भाग में त्रुटि का। तो भाग में त्रुटि के लिए हम लोगों ने मान लिया कि माना भौतिक राशि x a और b पर कुछ इस प्रकार से निर्भर कर रही है, x बराबर a बटा b। तब हमारा मान रखने पर x के जगह पर हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a बटा b प्लस माइनस डेल्टा b। ध्यान दीजिए, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर हो गया a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसको हम ऊपर ले जाएं। ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं, हम पहले x को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ x को कॉमन कर लें, अगर x कॉमन कर लिए तो हो जाएगा हमारा एक प्लस माइनस। यहाँ कॉमन का मतलब भाग, एक ही चीज से सभी पदों में भाग। तो x में हम भाग देंगे x का, तो एक हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो x डेल्टा x बटा x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम a कॉमन ले लें, तो a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक धन प्लस माइनस डेल्टा a बटा a, और इसी तरह से इधर हो जाएगा नीचे b एक धन प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी। एस एक धन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स, और ये हो गया ए बटा बराबर ए बटा बी, और ऊपर हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए कुल का बटा वन प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी। ए बटा बी का मान हम समीकरण एक से रखें, समीकरण एक है ए बटा बी बराबर एक्स। तो ए बटा बी का मान समीकरण एक से रखने पर रख दें, यह हो जाएगा हमारा x ब्रैकेट में वन प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, और ये हो जाएगा x ऊपर हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा a अपान a बटा वन प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। तो x से x कट जाएगा, x से x क्या होगा, कट जाएगा, इधर ले आएंगे नीचे हो जाएगा तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटा x, ये बराबर हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए।
और ध्यान दीजिए, इस पूरे पद को हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे कोई घात नहीं है, प्लस वन घात है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। तो यह हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी पर ऋण एक घात, ऋण एक घात। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र होता है कि वन प्लस एक्स पर एन घात बराबर हो जाता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन वन माइनस एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जब सूत्र अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इधर बाएं पक्ष में वही होगा, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स, और ये हमारा वही रहेगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए। और इस पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे तो वन की जगह पर वन है और एक्स की जगह पर डेल्टा बी बटा बी है और एन की जगह पर माइनस वन है। यह हो जाएगा आपका वन, यह हो जाएगा आपका वन प्लस एन एक्स प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस एन है ऋण एक, तो ऋण एक का इसमें पूरा करेंगे प्लस में तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। और एन का मान एक है तो एक का एक्स में पूरा करेंगे तो एक्स ही होगा, माइनस प्लस एक्स ये हो जाएगा। इस बड़े पदों को हम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा ये एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह डेल्टा बी बटा बी, ये हो जाएगा डेल्टा बी बटा बी। अब यहां हम पूरा करें, इधर हम जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यह है वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर, यहां पूरा करें वन को उठाए पहले इसमें पूरा कर वन का पूरा करेंगे वन वन में तो वन हो जाएगा और इसमें पूरा करेंगे तो ये होगा प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी, ये हो गया वन प्लस प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी, वन का पूरा करने पर हो गया। अब डेल्टा एक्स बटा एक्स को उठाएंगे नहीं डेल्टा बी बटा ए को उठाएंगे, इसमें पूरा करेंगे उतना ही होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए, और यहां पूरा करेंगे तो डेल्टा ए बटा ए इंटू डेल्टा बी बटा बी हो जाएगा। तो यह हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए इंटू डेल्टा बी बटा बी। पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि डेल्टा ए बटा ए डेल्टा बी बटा बी बहुत छोटी राशि है, इसलिए इसकी उपेक्षा करने पर हम लिखेंगे कि डेल्टा ए बटा ए इंटू डेल्टा बी बटा बी अत्यधिक अत्यधिक छोटा होने के कारण इनकी उपेक्षा करने पर इनको छोड़ देंगे, उपेक्षा करने में हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स
इसको छोड़ देंगे यह हो जाएगा वन प्लस माइनस, इसको पहले लिखें डेल्टा ए बटा ए, आप डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी, ये लिखें भाई वन से वन कट जाएगा, यह हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर होगा प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी। ये हमारा आ गया आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि आ गया। ध्यान दीजिए आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि के अधिकतम मान के लिए धनात्मक चिन्ह लेने, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं, यह हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर होगा डेल्टा ए बटा ए और प्लस डेल्टा बी बटा बी। ये हमारा आपेक्षिक त्रुटि का अधिकतम मान आ गया। और प्रतिशत त्रुटि के लिए, प्रतिशत त्रुटि के, प्रतिशत त्रुटि ये हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी और गुणे 100%, यह हमारा प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक प्राप्त होगा। तो इसको बढ़िया से अभ्यास करिए, इसके आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।